जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं आज राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इसी शिक्षा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे कि ग्रहों की दृष्टियां कैसे देखी जाती हैं, ग्रहों की दृष्टियां होती कौन कौन सी हैं, ग्रहों की दृष्टियां क्या असर डालती हैं, ग्रहों की दृष्टियां कहाँ से कैलकुलेट की जाती हैं। ये आप एक बड़े आसान से ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस चार्ट की तरफ अगर गौर से देखेंगे तो मैंने यहाँ मार्स यानी मंगल, सैटर्न यानी शनि, बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, यहाँ राहु, यहाँ केतु, यहाँ मार्स लिखा हुआ। ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए लिखा गया है, हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं है, पर ये जस्ट आपको एक समझाने के वे आउट से लिखा ताकि इसको आप समझ पाएं। प्रिय दर्शकों, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो नोट कर लीजिए, हर ग्रह की कुंडली में सातवीं दृष्टि जरूर होती है। मतलब जिस जगह वो ग्रह बैठा है या जिस जगह कुंडली में वो प्लेस्ड है, अपने से सातवें घर पे वो पूर्ण इंपैक्ट जरूर डालता है। इसके एक छोटे से उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में टॉर्च है, आप वो टॉर्च जलाते हो और सामने लाइट डालते हो, तो जहां वो टॉर्च जल रही है वहां तो उसका इंपैक्ट है ही, जहां वो टॉर्च की रोशनी जा रही है वहां भी उसका पूर्ण इंपैक्ट होगा। हमारे ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा दृष्टियां हैं। अब अक्सर बात कई लोग समझने में करेंगे, यार ग्रहों की कौन सी आंखें लगी हुई हैं जो उनकी दृष्टियां हैं, ग्रहों की कोई चक्षु थोड़ी है जो उनकी दृष्टियां होंगी, ग्रहों की नजर नहीं है जो दृष्टियां कैलकुलेट की जा सके। लेकिन ग्रहों की रिफ्लेक्शंस हैं। कैसे? मान लीजिए सूर्य की रोशनी आ रही है, आप शीशा लेकर के कहीं और जगह रोशनी डालते हो तो सूरज की रिफ्लेक्शन वहां डलेगी। सूरज की रिफ्लेक्शन वहां डलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होता है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए एक लाइट डाली, लाइट शीशे पर डली, वहां से एक और शीशा लगा दीजिए दूसरे शीशे पर, वहां से एक और शीशा लगा दीजिए तीसरे शीशे पर, तो ये लाइट जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी, राइट लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन में आती रहेगी। बिल्कुल उसी तरह कुछ ग्रह ऐसे हैं जो एक से ज्यादा दृष्टियां लेकर बैठे हैं, फिर उस रश्मि के रिफ्लेक्ट करने को हमारे शास्त्रों में दृष्टि का नाम दिया गया है। एक ग्रह का असर जहां बैठा है उसका पूर्ण असर उसके सामने भी होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि वहां पड़ती है या उसकी रिफ्लेक्शन वहां पड़ती है। तो शास्त्रीय बात यह है कि उसकी रिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट कैसे करें। सबसे पहले बात करूंगा मंगल ग्रह की। मान लीजिए ये कुंडली का पहला घर है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, हो सकता है आपका मंगल इन 12 घरों में कुंडली में कहीं भी पड़ा हो। मंगल की दृष्टि जो होती है, मंगल की दृष्टियां मानी जाती हैं 4, 7 और 8। जहां मंगल प्लेस्ड हो, जहां मंगल बैठा हो, वो गिनती वहां से करनी है, वहां से गिनती शुरू करनी है, उसको एक नंबर मानना है, वहां से अपनी गिनती शुरू करके आपको 4, 7 और 8 तक पहुंचना है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टियां होती हैं वो 4, 7 और 8 होती हैं। मान लीजिए मंगल यहां पहले घर में बैठा है, मंगल यहां पहले घर में बैठा है तो मंगल की दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4, मंगल की पहली दृष्टि यहां पड़ेगी, यानी चौथी दृष्टि इस घर पर पड़ेगी 1, 2, 3, 4, यहां से पहला गिनना है। यह गलती मत कीजिएगा कि मंगल जहां पड़ा हो आप अगले घर से पहला गिनना शुरू कर देंगे, तो यह गलत हो जाएगा। जहां ग्रह प्लेस्ड हो वहीं से आप उसको पहला घर मान के चलिए। मंगल यहां पड़ा है 1, 2, 3, 4, मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो इस घर पे पड़ेगी, 5, 6 और 7 मंगल की सातवीं दृष्टि ये सातवें घर पे, और आठवीं दृष्टि इस घर पे पड़ेगी। अगर मंगल मान लीजिए यहां प्लेस्ड हो जाए, एग्जाम्पल समझाने के लिए यह बनाया गया है, आपको यहां से एग्जाम्पल समझा लेता हूं। मंगल की यहां से अगर दृष्टि कैलकुलेट करनी पड़े 1, 2, 3 और 4, मंगल की चौथी दृष्टि यहां पे पड़ेगी, 5, 6, 7 मंगल की सातवीं दृष्टि यहां बिल्कुल उसके सामने पड़ेगी, आठवीं दृष्टि मंगल की इस घर पे पड़ेगी। तो कुंडली में हो सकता है आपका मंगल यहां पड़ा हो, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए मंगल यहां पड़ा हो तो मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहां पड़ेगी चौथी दृष्टि, 5, 6 और 7 यहां पड़ेगी सातवीं दृष्टि, और आठवीं दृष्टि इस घर पे पड़ेगी।
दर्शकों ये नियम बार बार बोलता हूं, नोट कर लीजिए ताकि इसमें कोई गलती ना करें। जहां ग्रह पड़ा हो वहां से ग्रह को गिनना शुरू करना। मंगल मान लीजिए यहां पड़ा होता, 1, 2, 3, 4, मंगल की चौथी दृष्टि यहां, 5, 6, 7 मंगल की सातवीं दृष्टि यहां और आठवीं दृष्टि इस घर पे पड़ जानी थी। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, नोट कर लीजिए, चौथी, सातवीं और आठवीं। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव भी अपने आप में ब्रह्मांड के जज हैं, अपने आप में बहुत बड़ी पावर लेके बैठे होते हैं। तो मंगल देवता के बाद शनि देवता की बारी आती है, तो इनके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। जहां शनिदेव बैठे हों अपने से पूर्ण प्रभाव तीसरे घर पे डालते हैं, अपने से पूर्ण प्रभाव सातवें घर पे, अपने से पूर्ण प्रभाव दसवें घर पे डालते हैं। मान लीजिए कुंडली में यहां शनिदेव पड़े हैं, 1, 2 और 3 मंगल की तरह बृहस्पति का या शनिदेव का भी कैलकुलेशन यहीं से करनी है जहां वो प्लेस्ड हो। हर ग्रह की कैलकुलेशन स्टार्ट वहीं से होगी जहां से उसकी प्लेसमेंट होगी। अब मान लीजिए शनि दूसरे घर में है, अगर शनि दूसरे घर में है तो उसकी दृष्टि 1, 2 और 3, यहां पड़ेगी शनिदेव की तीसरी दृष्टि, 4, 5, 6 और 7 यहां पड़ेगी शनिदेव की सातवीं दृष्टि, 8, 9, 10 यहां पड़ेगी शनिदेव की दसवीं दृष्टि। अगर शनिदेव यहां प्लेस्ड है तो तीसरी दृष्टि यहां, सातवीं यहां और दसवीं यहां पड़ेगी। अपने से तीसरे घर को, अपने से सातवें घर को, अपने से दसवें घर को शनिदेव ने पूर्ण इंपैक्ट देना। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर शनिदेव अगर यहां पड़े हो तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ेगी, यानी ये पहला घर होगा तो शनिदेव की दृष्टि यहां पड़ेगी, 4, 5, 6 और 7 शनिदेव की सातवीं दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, 8, 9, 10 शनिदेव की दसवीं दृष्टि घूम करके इस घर पे पड़ेगी। जहां ग्रह प्लेस्ड हो वहां से उसकी दृष्टि गिनना शुरू कर देना और वहां से उसकी दृष्टि गिन के अगले स्टेप पर पहुंच जाना। 3, 7 और 10 शनिदेव की दृष्टियां हैं, कृपया इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज है। बात करते हैं बृहस्पति देवता की। ये भी देवगुरु हैं, इनकी भी एनर्जी लेवल, इनकी पावर बहुत ज्यादा है। बृहस्पति, राहु और केतु तीनों की एक जैसी दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये जहां बैठे होंगे अपने से पांचवें घर को पूर्ण इंपैक्ट देंगे, जहां बैठे होंगे अपने से सातवें घर को पूर्ण इंपैक्ट दे रहे होंगे, जहां बैठे होंगे अपने से नवम घर को पूर्ण इंपैक्ट दे रहे होंगे। कैसे, आप कुंडली पे आइए, आपको डिटेल समझाता हूं। मान लीजिए जुपिटर यानी बृहस्पति यहां पड़ा है, जुपिटर यानी बृहस्पति यहां पड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5 तो जुपिटर की पांचवी दृष्टि यहां पड़ी। याद रखिएगा, दोबारा बोलता हूं कि पहली दृष्टि उसी से काउंट करनी है वहीं से जहां ग्रह खुद पड़ा हो, 1, 2, 3, 4, 5 तो पांचवी दृष्टि यहां पड़ी जो आठवीं घर पे आ गई, यहां से दृष्टि डाली बृहस्पति ने, पांचवी दृष्टि इस घर पे पड़ गई, 6, 7 बृहस्पति ने सामने डाल दी सातवीं दृष्टि, 8 और 9 बृहस्पति की नौवीं दृष्टि यहां डल गई। मान लीजिए बृहस्पति लगन में पड़ा होता, 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि यहां पे, 6, 7 सातवीं दृष्टि यहां पे, 8, 9 नवम दृष्टि इस नवम भाव पे पड़ जानी थी। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए बृहस्पति दसवीं घर में पड़ा है, 1, 2, 3, 4 और 5 बृहस्पति की पांचवी दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, 6 और 7 बृहस्पति की सातवीं दृष्टि अपने बिल्कुल सामने पड़ेगी, 8 और 9 बृहस्पति की नवम दृष्टि इस घर पे पड़ेगी। जहां भी कुंडली में बृहस्पति पड़ा होगा वहां 1 से गिनना शुरू करेंगे, पांचवें घर पे उसका पूर्ण इंपैक्ट होगा, वहां से सातवें घर में उसका पूर्ण इंपैक्ट होगा, वहां से नवम घर पे उसका पूर्णतः इंपैक्ट होगा। दर्शकों, राहु केतु की भी बिल्कुल प्रवृत्ति और कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं मिलते हैं बृहस्पति से, लेकिन दृष्टियां पूर्णतः मिलती हैं बृहस्पति की तरह। जैसे बृहस्पति की दृष्टि 5, 7, 9 होती है, वैसे ही राहु की दृष्टियां 5, 7 और 9 होती हैं। राहु अगर मान लीजिए इस घर में पड़ा हो, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे राहु की पांचवी दृष्टि, 6 और 7 यहां पे सातवीं दृष्टि, 8 और 9 यहां पे नवम दृष्टि,
कुंडली में यहां राहु पड़ा होता, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे पांचवी दृष्टि, 6, 7 यहां पे सातवीं दृष्टि, 8 और 9 यहां पे नवम दृष्टि पड़ जानी थी। जहां से राहु पड़ा होगा वहीं से आपने दृष्टि गिननी शुरू करनी है। बृहस्पति की तरह इसकी भी दृष्टि 5, 7 और 9 होती है। मंगल की दृष्टि 4, 7, 8, बृहस्पति की दृष्टि 5, 7, 9, बृहस्पति, राहु, केतु, बल्कि तीनों की दृष्टियां 5, 7, 9 होती हैं। शनिदेव की दृष्टि 3, 7 और 10 होती है। केतु यहां पड़ा है 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो केतु की पांचवी दृष्टि इस घर पे आ गई। 6, 7 केतु की सातवीं दृष्टि इस घर पे आ गई। 8 और 9 केतु की नवम दृष्टि यहां से इस घर पे आ गई। हर ग्रह की, जितने बाकी ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, इन चारों ग्रहों की एक से ज्यादा दृष्टियां हैं। बाकी जो चार ग्रह बच गए, जिनमें सूर्य आ गया, जिनमें चंद्रमा आ गया, जिनमें शुक्र आ गया, जिनमें बुध आ गया, इन चारों ग्रहों की एक ही दृष्टि होती है। जहां वो पड़े होते हैं अपने से सातवें घर पर अपना पूर्णतः इंपैक्ट डालते हैं। मान लीजिए सूर्य यहां पड़ा हो कुंडली में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहां उसका पूर्णतः इंपैक्ट होगा। सूर्य यहां पड़ा हो कुंडली में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सामने पूर्ण सातवां इंपैक्ट डल जाएगा। बुध यहां पड़ा हो उसका इंपैक्ट सीधा सामने पड़ेगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चंद्रमा यहां पड़ा हो, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चंद्रमा का इंपैक्ट सातवां सीधा लगन पे आ जाए। तो हर ग्रह की सातवीं दृष्टि अवश्य होती है। हर ग्रह अपने से सातवें घर पर पूर्ण इंपैक्ट डालता है। वो इंपैक्ट कुंडली के अच्छे या बुरे फलों को डिसाइड करता है। कुंडली में ग्रह एक जगह प्लेस्ड होने का मतलब होता है वो कई घरों से जुड़ा हुआ है, कई घरों पे अपने इंपैक्ट डाल के बैठा है। ये आपको तब काम आता है जब आपने कुंडली में कई कंक्लूजन्स निकालने हैं कि किस ग्रह की दृष्टि कहां पड़ती है, उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा। कारक ग्रह की दृष्टि जिस घर पे पड़ रही होगी, जिस कुंडली के भाव पे पड़ रही होगी, वो उस घर को साथ में एक्टिवेट कर देगा और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको साथ में मिलेंगे। अगर बुरा ग्रह है कुंडली में या मारक हो गया है ग्रह, वो जिस घर में बैठा है वहां तो नुकसान करेगा ही, लेकिन जिस घर पे देख रहा है वहां भी वो नुकसान करेगा। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उसके इंपैक्ट्स उतने ही होते हैं उनकी दृष्टियों के जितने उनके प्लेसमेंट्स के होते हैं। जिस घर पे ग्रह पड़ा होगा अगर उसकी प्लेसमेंट खराब है तो ऑटोमेटिकली ही उसकी दृष्टियां भी खराब हो जाएंगी। अगर एक ग्रह अच्छी जगह कुंडली में प्लेस्ड है तो स्वाभाविक है कि उसकी दृष्टियां भी अपने आप ही अच्छे घर पे चाहे बुरे घर पे पड़ेंगी, लेकिन रिजल्ट वो अच्छे ही देंगी क्योंकि अच्छे घर में पड़ा है। मान लीजिएगा कि बृहस्पति दूसरे घर में पड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे अगर दृष्टि पड़ेगी तो कोर्ट केस जीतने का योग बनाएगा, मुकदमा जीतने का योग बनाएगा, हाउस ऑफ कंपटीशन से कंपटीशन लड़के जीतने का योग बनाएगा। यहां पड़ेगी ऑब्स्टेकल्स को तो हार्ड वर्क करके ऑब्स्टेकल्स इंप्रूव कर लेगा, यहां पड़ेगी तो कर्म को अच्छा करके अपने रिजल्ट्स को अच्छा कर सकता है। मतलब कि अगर वो खुद अच्छा है तो जहां मर्जी उसकी दृष्टि पड़े, अपने जिस बाप पे वो दृष्टि डालेगा उसके रिगार्डिंग वो अच्छा करता चला जाएगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है दर्शकों, अपने आप में समझने वाली बात है कि दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये पूरी इस पराश्री सिस्टम, इस विद्या की नींव है, ये स्तंभ है सारे का सारा। इस स्तंभ को अगर आपने समझ लिया तो विद्या का एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने समझ लिया, आपको कल को ये चीज समझने में और आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हर कैलकुलेशन में काम आने वाली है। आपने कई ज्योतिषियों को देखा होगा टीवी में बोल रहे होते हैं ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, लेकिन समझ में नहीं आती। जाते जाते आज आपके लिए टिप ऑफ द डे, आपने देखा होगा कि कई घर में हम काम करने के लिए कहीं निकलते हैं तो काम बिगड़ते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, घर से जब भी सदैव बाहर निकलें अपना राइट फुट पहले बाहर होना चाहिए आपका। आप गाड़ी में भी बैठे हैं तो पहले अपना राइट फुट आगे कीजिए, लेफ्ट थोड़ा पीछे कीजिए, तब घर से निकलेगा, आपके काम जरूर बने। स्कूटर पे भी बैठे हैं, एक पैर आगे राइट फुट कीजिए, लेफ्ट फुट थोड़ा बैक कीजिए, उससे आपके रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करके रखनी है। सदैव ऐसा करेंगे आपकी शुभता में अवश्य फल देगा, ये मेरा अटल विश्वास है इस बात का।
जाते जाते शनि देव के सामने आप सबके लिए मंगल कामना की प्रार्थना करता हुआ कि हे शनि देव, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि समस्त जीवात्माओं पर सब पर बनाए रखें और अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय।